नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगरा मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रवादी विचारों को पोषित करने वाली है। गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों को छोड़ राष्ट्र के प्रति गौरव बोध कराने वाले विषयों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हमारे नायक मुगल नहीं हो सकते, शिवाजी महाराज हमारे नायक हैं, इसलिए छत्रपति शिवाजी के नाम पर होगा आगरा का मुगल म्यूजियम। वहीं इस ऐलान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि आगरा में निर्माणाधीन म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। आपके नए उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों का कोई स्थान नहीं, हम सबके नायक शिवाजी महाराज हैं। जय हिंद, जय भारत। आपको बता दें, इस परियोजना को पिछले अखिलेश यादव सरकार ने 2015 में मंजूरी दी थी। ये दिल्ली से 210 किलोमीटर दूर आगरा शहर में ताजमहल के पास 6 एकड़ के ज़मीन पर बन रहा है। ये संग्रहालय करीब 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है। गौरतलब है कि सीएम योगी ने यूपी सरकार के पर्यटन विभाग को इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव पर्यटन जितेंद्र कुमार को इस संबंध में कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। पर्यटन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आगरा में बनने वाले इस संग्रहालय में मुगल कालीन वस्तुओं और दस्तावेजों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज के कालखंड से जुड़ी चीज़ें भी इस संग्रहालय का हिस्सा होंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।